आईडी मिलने के मामले की जांच में जुटी पुलिस। किश्तवाड़ में पुलिस ने बड़े पैमाने पर छेड़ा अभियान। वीआईपी मूवमेंट से पहले रची गई थी तबाही की साजिश। जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली की खुली पोल। दो तहसीलों में लाखों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। 35 से 40 हैंडपंपों से 24 घंटे बह रहा पानी। सरकार के फैसले के खिलाफ उतरा ट्रांसपोर्ट तबका। यात्री वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से किया इनकार। सरकार के फैसले के समर्थन में उतरे आम नागरिक। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी भी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। सबसे पहले किश्तवाड़ की बात करेंगे। किश्तवाड़ में 2.5 किलो आईडी मिलने के मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं पर धूलहस्ती पावर स्टेशन के नजदीक नेशनल हाईवे पर यह आईडी किन आतंकियों ने फिट की थी, इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ा दिया गया है। और बताया जा रहा है कि बुधवार को किश्तवाड़ में वीआईपी मूवमेंट थी और इसके ठीक पहले आतंकियों ने खून खराबे की एक बड़ी साजिश रची थी जिस पर पानी फेर दिया गया है। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुछ ही देर में जो यहां पर जुड़ेंगे। उससे पहले आप तस्वीरें देखें अपनी टीवी स्क्रीन पर। जब ये आईडी बरामद की गई थी तो उस समय की जो तस्वीरें हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं किश्तवाड़ से। उनसे जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ आ रही है। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन को कहां तक पहुंचाया गया है और कौन कौन से पन्ने और खुलकर सामने आए इस इन्वेस्टिगेशन से। जी, किश्तवाड़ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर हस्ती एक लोकेशन आती है जिसके करीब ही ढलहस्ती पावर स्टेशन का जो मेन पावर हाउस है वो भी स्थित है। उस पावर हाउस के जो प्रमाइसेस आसपास की जो एरिया है उसके करीब ही ये पाया गया है सड़क के नीचे। तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट एंगल्स इसमें निकल कर सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं पावर स्टेशन जो है वो टारगेट पे था, लेकिन इस बीच ये भी चर्चा चल रही थी कि एक आध दिन में यहाँ किश्तवाड़ में कुछ वीआईपी मूवमेंट है, हो सकता है कि आतंकवादी उस मूवमेंट का फायदा उठाते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हो, लेकिन इससे पहले कि वो इसको विस्फोट करवा सकते ये सूत्रों से खबर पुलिस को मिली, जिसके बाद इसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। अभी तक जो सामने निकल कर आया है कि ये कनेक्टेड नहीं था, किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं था जिस वजह से ब्लास्ट नहीं हो सक रहा था, लेकिन एक मेटलिक बर्तन में इसको रखा हुआ था, तारे थी, कुछ और उसमें सामान पड़ा हुआ था। अभी जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया है और जो हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हो सकता है कि इसको एफएसएल को भेजा जाए ताकि ये पता चला कि आखिर इसमें लगा हुआ क्या था। क्योंकि चुनौती इसलिए ये बड़ी हो गई है कि किश्तवाड़ में 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जो सक्रिय हैं, लंबे अरसे से वो सक्रिय हैं, सुरक्षा बल उनकी तलाश कर रहे हैं लेकिन वो उनके हाथे चढ़ नहीं रहे हैं। और इस बीच इस प्रकार की सामग्री, इस प्रकार का विस्फोटक बरामद होना, वो भी संवेदनशील क्षेत्र के आसपास, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिसको लेके उनके काले से ही पांव फूले हुए थे। और आज भी अब जो हमें बताया जा रहा है कुछ मीटिंग्स का दौर चल रहा है लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है कहीं ना कहीं एफएसएल तक टिकी हुई है। बिल्कुल, आपसे यहाँ पर अजय ये जानना चाहूंगी कि जिस इलाके से आईडी बरामद हुआ है तो क्या उसके आसपास के इलाकों में कोई पूछताछ की गई हो या फिर तलाशी अभियान चलाया गया हो, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आईडी यहाँ पर पहुंची कैसे। आप बिल्कुल पहले देखिए, जो जहां पर ये मिली है ये नेशनल हाईवे के नीचे चिनाब की तरफ मिली है जहां पर कोई आबादी नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन जो ढलहस्ती पावर स्टेशन का एरिया है वो नजदीक पड़ता है। कुछ लोगों से पूछताछ की बात सामने आई है लेकिन कुछ स्पष्ट ओके चीजें सामने नहीं आई है। जो पुलिस है वो उसके अधिकारी जो भी हैं वो भी सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच किस तरह बढ़ रही है वो चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आतंकवादियों की फिर से यहाँ पर गतिविधियां तेज होती नजर आ रही है एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है, और जो खुफिया एजेंसीज है कहीं ना कहीं वो भी इसको लेके बोचके में है कि आखिर ये यहाँ तक पहुंची कैसे। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन चल रही है लेकिन कहाँ क्या चल रहा है अभी वो क्लियर चीजें सामने नहीं आई।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये थे हमारे साथ अजय शान, और वहीं पर आईडी बरामद होने के बाद से पूरी कार्यवाही को आगे अंजाम दिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ में कुछ आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं, जिनको ढूंढने के लिए अब जो काम है वो तेज गति से किया जा रहा है। लोगों को पानी की अहमियत और जल संरक्षण का पाठ पढ़ाने वाले जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली की सरेआम पोल खुल रही है। जल शक्ति विभाग की नालायकी के कारण कठुआ जिले की दो तहसीलों में रोजाना लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। हीरानगर की और मढ़ीन तहसील में 35 से 40 हैंडपंपों से 24 घंटे पानी की सरेआम बर्बादी हो रही है, और जल शक्ति विभाग आंखों पर पट्टी बांध रहा हुआ है। इस खबर पर हमारे साथ अपडेट के लिए रंजीत मेहता यहाँ ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ है। लेकिन वहीं पर उससे पहले आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से ये जो पानी है ये बहता हुआ नजर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो पानी की वेस्टेज है वो होती हुई नजर आ रही है, और सिर्फ एक या दो घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे इसी तरीके से ये पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से जो पानी की वेस्टेज है वो देखने को मिलती है। और अभी तक यहाँ जल शक्ति विभाग द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया, और इसको लेकर जो काम है वो नहीं हुआ है। क्यों आखिरकार ये लापरवाही बढ़ती जा रही है वो भी जानना ज़रूरी है। रंजीत हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या इसको लेकर कभी कंप्लेंट की गई कोई, क्योंकि तहसीलों में ये जिस तरीके से हैंडपम्प लगाए गए हैं उन हैंडपम्पों में पानी की जो वेस्टेज है वो देखने को मिल रही है, और इस वेस्टेज की वजह से जो वाटर सप्लाई की शॉर्टेज है वो भी कभी किसी समय पर लोगों को जूझना पड़ता है उससे। तो हमारे साथ रंजीव मेहता यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, तो रंजीव से जानेंगे। रंजीव, आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि इसको लेकर क्या कभी जो विभाग है उसे अवगत करवाया गया, क्योंकि लीकेज हो रही है, वाटर फ्लो हो रहा है, और 24 घंटे जो पानी है वो इसी तरीके से बहता हुआ नजर आ रहा है, वेस्टेज हो रही है। पल्लवी, मैं बताऊं कि ये जो पानी जो चल रहा है, ये जो ये जितने भी डीप हैंड पंप है हीरानगर और मढ़ीन तहसील में, तो इनके अंदर से जो पानी जो है वो चल रहा है जी, तो इसके चलते यहाँ पे काफी वेस्टेज हो रही है, और करीब 30 से 35 ऐसे डीप हैंड पंप हैं जिनसे अपने आप पानी बहता है, और इतनी लाखों लीटर रोजाना जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है। वहीं सरकार की बात करें तो जल संरक्षण को लेकर करोड़ों रुपए का फंड हर साल जो है वो खर्च किया जाता है, लेकिन इस इलाके में बात करूं तो जल संरक्षण के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर इतने जो नल है लाखों लीटर पानी जो वेस्ट होता है, अगर इन इसका जो ये पानी है अगर उसको पाइपें लगाकर डाइवर्ट किया जाए और लोगों को तक पहुंचाया जाए तो इसका सदुपयोग हो सकता है, लेकिन ये व्यर्थ बह रहा है, जिसके चलते लोगों में काफी रोष है। और बात क्योंकि जो डीप हैंड पंप की जो स्कीम थी, जो केंद्र सरकार की ग्राउंड वाटर द्वारा ये एक स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इनका इसका मकसद था कि उस इलाके में ये डीप हैंड पंप लगाने थे जहां पर पानी का कोई सोर्स नहीं है, पर जहां नुमाइंदे और जो टेंडर लेने वाली कंपनी है वो जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके साथ मिलकर ऐसी जगह पे बोर करवा देते हैं, यहां पर कम पाइपें और कम खर्च में ही अपने आप पानी बहना शुरू हो जाता है। कंडी इलाके में जो जो डीप हैंड पंप की स्कीम थी, लेकिन वहां पे बहुत कम ऐसे डीप पंप देखने को मिलते हैं, अगर निकले भी हैं तो वो ज्यादातर खराब पड़े हैं, लेकिन निचले इलाके की बात करूं तो वहां पर ज्यादातर ये नलके खुद ही नल जो है खुद ही खुद बह रहा है पानी और व्यर्थ हो रहा है, लाखों लीटर पानी जो व्यर्थ होता है, और जल संरक्षण के नाम पर सरकार की तरफ से स्कूलों में सेमिनार करवाए जाते हैं, बच्चों को जागरूक किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो इन डीप हैंड पंप लगाने वाली कंपनी है। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि कठुआ जिले की बात कर रहे हैं तो क्या वाटर सप्लाई के किस तरीके से यहाँ पर जो वाटर सप्लाई है वो लोगों को मिलती है, क्योंकि कुछ तहसील में ये देखने को मिल रहा है कि पानी वेस्ट हो रहा है, तो जो बाकी तहसील है क्या वहाँ पर वाटर सप्लाई प्रॉपर है क्यों, या फिर वहाँ पर जो शॉर्टेज है वो वाटर सप्लाई की देखने को मिलती है? बिल्कुल, मैं पहले भी बताऊं कि ये जो पानी की शॉर्टेज है कठुआ के ज्यादातर 70 से 80% जो इलाके हैं कठुआ जिले के वो पानी की कमी से महरूम हैं,
और लोग आए दिन सड़कों पर उतरे हैं, रोज धरने प्रदर्शन करते हैं और पानी की मांग करते हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी बहुत अधिक मात्रा में है, उस वाटर लेवल बहुत ऊंचा है, जी लेकिन डीप हैंड पंप वहां पे लगाकर पानी को वेस्ट किया जा रहा है। अगर अच्छा होता वहां से पानी को उन इलाकों में डाइवर्ट किया जाता जहां पर पानी की कमी है, लेकिन यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों को लगातार पानी जो है वो मिल रहा है और यहाँ पर काफी सारा पानी जो है वो वेस्ट होता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक इसको रोकने के लिए कोई भी जो है वो कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे लोगों जी में काफी रोष है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ रंजीव मेहता, और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से दो तहसीलें ऐसी हैं जहां पर वाटर सप्लाई की जो वेस्टेज है वो देखने को मिल रही है। डीप हैंडपम्प लगाने की वजह से ये जो पानी है ये 24 घंटे यहाँ पर बहता रहता है और इसकी जो वेस्टेज है वो होती है। यात्री वाहनों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने के सरकार के आदेश की ट्रांसपोर्टरों ने मुखालफत की है। वहीं पर ट्रांसपोर्ट तबके ने सरकार के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि मौजूदा समय में उनकी जेब इसकी इजाजत नहीं दे रही है और वो अपनी गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं सकते। दूसरी ओर आम लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया है। नहीं, सीसी कैमरा वो पहले हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन जो प्रधानों से मीटिंग होनी चाहिए, ऐसे ही कोई नित नया फरमान जारी होगा, हम कौन कौन सी डिमांड पूरी करेंगे। ट्रांसपोर्टर आगे ही बहुत बुरी दिशा में घूम रहा है, अभी तो हम उसको उसके लिए तैयार नहीं है। जैसे हमारी कोर कमेटी, जैसे विजय सिंह जी प्रधान और अजीत सिंह चेयरमैन और हमारे भारत भूषण जी, महेंद्र सिंह जी, सभी प्रधानों से के साथ मीटिंग होगी, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे लगाने हैं या नहीं लगाने। अभी तक तो हमारे ट्रांसपोर्टर इसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमारे आगे बहुत ही टैक्स हैं। ये सीसीटीवी कैमरा नई परेशानी बन गई है। अभी हमारी रोडों की हालात ऐसी है, हमारी गाड़ी जाती है रोड की वजह से सभी प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं जो रोडें बन रही हैं उनको रिपेयर तो किया जाए थोड़ा बहुत। जो सरकार नई से नई पॉलिसी ला रही है, नए से नए काम कर रही है, क्या हमारे रोड और क्या हमारी ट्रांसपोर्ट की, J&K जुटी के लोगों के ट्रांसपोर्टर की ऐसी हालत है कि वो दिन ब दिन कोई ना कोई नई नई चीज़ें हमारे पे थोपी जाती हैं। अभी सीसीटीवी कैमरा क्या हम कहाँ से लगाएंगे? गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी हमारे कैमरे लगवाने की? अगर कोई लगवाने की बात करती है गवर्नमेंट तो हमको दो, अपना फंड दो, हम लगवा दें। क्यों हमारे गरीब ट्रांसपोर्टर हैं बेचारे, अपनी गाड़ी चलाने के लिए इतनी मुश्किल से गुजर रहे हैं कि इनके इतने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने, इतना कुछ कर दिए हैं, दिन ब दिन इतने फाइन, इतना कुछ कर रहे हैं, हम फिर भी सहन कर रहे हैं। मगर जो जो सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट, ये बिल्कुल जो हमारे सर से बहुत ही बड़ा बोझ डालने वाली बात है। आगे बहुत कुछ लगवाया, अगर इन्होंने लगवाने हैं, इनको इतना चाह है, तो हम इधर से अपील करते हैं माननीय गवर्नर साहब को और ट्रांसपोर्ट कमीशन साहब को भी कि अगर कोई ऐसा बात है तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको दीजिए, हम इंस्टॉल करा दीजिए, हम लगवाने के लिए तैयार हैं, हम उसके लिए कोई मनाई नहीं करेंगे। नहीं, एक बहुत अच्छी बात है जब इन्होंने चौराहों पर सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिया, तो जो पैसेंजर गाड़ी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेब कतरे होती है या कोई अनहोनी होती है, या आप खुद देख रहे हो कि रिसेंटली जो एक्सीडेंट्स हुए खासकर ये पीर पंचाल के एरिया में, कितनी लोगों की जाने गई है, वो कोई दिन नहीं होता। चाहे श्रीनगर टू जम्मू आप ले लीजिए, उसमें भी आप देखिए कितने हादसा। अगर एक सीसीटीवी कैमरा इन पैसेंजर गाड़ियों में होता तो बहुत सारी जो दुर्घटनाएं वो नहीं हो सकती है, मतलब जो कीमती जाने हैं वो बच सकती है। और इसी तरह का आप सिटी में दे देंगे, चाहे जम्मू सिटी हो या श्रीनगर सिटी हो, आप दिन ब दिन देख रहे हो जेब कतरे घूम रहे हैं, बड़ी साजिश के साथ, बड़े प्रोफेशनल तरीके के साथ वो लोगों के जेब काटते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन जगहों पर सीसीटीवी कैमरा उन गाड़ियों में होते तो ये चीज़ें उस वक्त भी नहीं होती है। और आम खासकर हमारी महिलाएं गाड़ियों में होती है, शैतान लोग होते हैं, मनचले लोग होते हैं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। तो अगर गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला तो बहुत अच्छा, एक आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ को हमें सराहना करना चाहिए। अगर ये चीज़ें पैसेंजर गाड़ियों में, चाहे वो जम्मू के मेटाडोर है या नेशनल हाईवे पर बड़ी गाड़ियाँ दौड़ती है या छोटी गाड़ियाँ दौड़ती है, उन पर ये सीसीटीवी कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। डोडा में पिछले दिनों पेश आए बस हादसे में कई लोगों की दर्दनाक मौत के बाद जम्मू सूबे के तमाम जिलों में ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। सुरनकोट के ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी स्वयं ओवरलोडिंग के प्रति लोगों को जागरूक कर उनसे इस मुहिम में सहयोग की मांग कर रहे हैं।
इसके अलावा जगह जगह लगाए गए नाकों पर भी ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों को ताक पर रखने वालों को चालान काटकर उन्हें सबक सिखा रही है। वहीं पर आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये स्वर्णकोट से सामने आ रही है, जहां पर खासकर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उन पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बस हादसा जो पेश आए हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद से ट्रैफिक डिपार्टमेंट काफी ज्यादा अब तेजी से काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में जो ये नाके हैं लगाए जा रहे हैं और लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है ट्रैफिक नियमों के प्रति। हमारे साथ यहाँ पर आकाश ज्वाइन कर चुके हैं, तो आकाश से जानेंगे। आकाश, आपसे पहला तो मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से अब ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, तो सोरनकोट की तस्वीरें किस तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है? मैं आपको बताता चलो, ट्रैफिक पुलिस जब से डोडा में एक हादसा था उसके बाद एक बार फिर से ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई है, और मैंने ये देखा है कि ग्राउंड लेवल की बात करें, इस वक्त जो है ग्राउंड लेवल पे काफी सारी वो गाड़ियां हैं जो इस वक्त बिल्कुल भी, जिनके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वो गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं चल रही है, क्योंकि ट्रैफिक की तरफ से जो है काफी सख्ती बरती जा रही है। वहीं पे बात करें डीएसपी ट्रैफिक रजौरी पुंच इंचार्ज नवाज चौहान की बात करें, उनको भी हमने देखा है कि वो खुद ही सीनियर ऑफिसर जितने भी हैं वो इस वक्त जो है गाड़ियों में खुद ही जाके और लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं, और इस वक्त एक बार फिर से जो है जो वायलेशन ऑफ ट्रैफिक थी वो जो है कम होती हुई नजर आई है। जी कल भी बिल्कुल, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूंगी मैं आकाश की जो पब्लिक है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हुई नजर आ रही है इस मुहिम के तहत, क्योंकि एक्सीडेंट्स जब होते हैं सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है या जो क्षति है वो सिविलियंस को ही पहुंचती है। इस बीच अगर पब्लिक के बेनिफिट के लिए ये स्टेप उठाया जा रहा है तो पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है इसको लेकर? उस हवाले से बात करें जैसे ट्रैफिक को, ट्रैफिक डिपार्टमेंट तो एक्शन में पहले भी था और आज भी, अब पब्लिक की तरफ से जो है कोऑपरेशन नहीं दिया जाता। छोटे छोटे बच्चे जो विदाउट लाइसेंस बाइक चलाते हैं और स्टंट बाज करते हैं, वहीं पे कुछ सिविल से भी लोगों से हमारी बात किया, उनका भी ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिस जो कर रही है वो ठीक है, लेकिन जो है पब्लिक की तरफ से जो है सही तरीके का कोऑपरेशन जो अभी तक हमने सामने नहीं देखा। वहीं पे बात करें कई सारी ऐसी हैं जो गाड़ियां हैं जो अभी तक जो है जिनको जो है सीज भी किया है, वहीं पे जो है जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और उनने जो है गाड़ियां भी इस वक्त तक बंद करके रखी है। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आकाश मलिक, और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सोरनकोट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और इन तस्वीरों में ट्रैफिक डिपार्टमेंट किस तरीके से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, चालान काटे जा रहे हैं, गाड़ियों को सीज किया जा रहा है, और इस समय जो पैनी नजर है वो सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पर रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को लेकर और सख्ती बरतना शुरू हो चुका है। पुलिस ने जम्मू के एक नामी होटल से 6 कश्मीरी जुआरियों को गिरफ्तार कर उनसे हजारों रुपए की नकदी बरामद की है। सिटी पुलिस स्टेशन के एसएचओ मोहिंद्र सिंह ने एक सूचना के आधार पर अपनी टीम के साथ रेजिडेंसी रोड स्थित इस होटल में छापा मारा और वहां से 60,240 रुपए की नकदी बरामद कर 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान जयचंद अहमद, खालिद फारूक अहमद, हिलाल अहमद, अयाज अहमद और फिरोज अहमद के रूप में की गई है। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ गैमलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही को शुरू कर दिया है। सांबा के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी है। चोरों ने बड़ी ब्राह्मणा की तेली बस्ती से एक मकान को निशाना बनाते हुए वहां से नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने जब इस घटना को अंजाम दिया उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। घर के सभी सदस्य शादी समारोह में भाग लेने के लिए गए हुए थे। वहीं पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश को शुरू कर दिया है। ताला खोलिया, बाहरों ताला खोलिया, अंदर ताला कुंडी लगी दी। कुत्थे गए थे तुसी? अही दिल्ली गए थे ब्याह। किन्ने तरीक गए थे? कदों अही गए? बुधवार गए हां, 15 तरीक नु गए अही, ते अही आज कल 21 तरीक नु आए हां। की चोरी हुई? चोरी हुई है भी 80,000 रुपया ही, ते अंगूठियां दो, ते टिक्का आया, ते गल नु हार जा ही। एक्चुअली सर 15 तरीक ही दिल्ली गए हां। अच्छा, इस विच कार कोई नहीं है, तो मेरे भाभी जी ने वो आते रहते अंदर इतने, मतलब कि एक्चुअली जो भी है सफाई सफुई जो भी आते रहते ही, तो लास्ट टाइम ये आए हैं लास्ट नाइट दे
एक दिन पहले आए देने घर तो ताले तुले खोले उस दिन कुछ नहीं है। ठीक है, इस रात अं सवेरे 5 बजे पुजे कल अज 5 बजे पुजे हैं तो देखा बहरला ताला बंद ही अंदरों कुंडी लगी हुई ही। मैं दीवार तो चढ़ के अंदर आया, दीवार तो चढ़ के अंदर आया तो अगला बहरला गेट मेन दरवाजे का ताला टुटिया पाया जी। ताला देख अंदर गया, अंदर सब कुछ खुल रहा पाया ही, बे सब कुछ चोरी जो भी है अंदर बैड के टोड़ टूप तोड़ छड़ी दी हुई है, किलकुल पुट छड़े देने। पीने का साफ पानी न मिलने से आरसपुरा के गांव लंगूटिया, बियानागढ़ और चकशिया में भी लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि 12 साल पहले साफ पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गांव लंगोटा में ट्यूबवेल का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें इस ट्यूबवेल का पानी नसीब नहीं हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक ट्यूबवेल की सप्लाई ना होने के कारण वो हैंडपंप का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जो बीमारियों का कारण बन रहा है। ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग से जल्द उन्हें साफ पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। जड़ा बैनागढ़ ते लंगोटिया ते चकसिया जड़ा एरिया है, इस ग्रां की सप्लाई पानी दी देने वास्ते स्वच्छ पानी देने वास्ते सरकार ने आज तो 12 साल पहले ट्यूबवेल लगाया, पर अजे तक उसकी सप्लाई जड़ी है सियां चक बैनागढ़ ते लंगोटिया ग्रां की नहीं मिल पाई, क्योंकि पैपा सारिया खराब ने। पैपा तो हूँ तकरीबन थोड़ी लाई उड़ियाँ, पर पानी अजे भी तक इनकी इस ग्रां की स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। अस सरकार अगे यही अपील करने हैं कि सरकार जी है इस पर ध्यान दे ताकि सारे लोगों की स्वच्छ पानी मिले जाए। बड़ा गंदा पानी है सर, बड़ी मतलब पैपा जगह जगह खराब ने, तो पानी से बड़ा जरूरी है तो इस करके हाँ हैडपंप का पानी पी करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा है। तो इस कार सरकार अगर यही अपील करने हैं कि सरकार अच्छा स्वस्थ पानी सू उपलब्ध कराए। पी एच ई डिपार्टमेंट के एक्सीन साहब अगे और सरकार अगर अपील करने कि यार जो ट्यूबवेल लंगोटिया पिंड लगे तकरीबन 12-13 साल हो गया तो वह पिछे पिछे पानी रहा, अजे तक चकशियाँ तक पानी नहीं पुजा। हूँ पी एच ई डिपार्टमेंट के अफसर साहब ने और सरकार ने पैपा तो लाइया ने, अजे तक जरा पानी जरा वो नहीं आया। एक तो मैं सरकार को मुबारक दिना कि जिन्होंने ममका पिंड दे विच स्कूल दे नाल जरा नवा ट्यूबवेल लाया, वो तो सरकार की बड़ी मेहरबानी, सरकार मेहरबानी करे तो सानू ट्यूबवेल का पानी जरा चकशियाँ पिंड है जान लंगोटियां बैनागढ़ भाऊ ममका पांच पिंडा दी पंचायत है। पुंछ जिले को भारत के साथ जोड़ने के उपलक्ष्य में 76वां लिंकअप दिवस के उपलक्ष्य में पुंछ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन का सिलसिला जारी है। भारतीय सेना द्वारा पुंछ में जश्न महफिल का आयोजन किया गया और जिसमें कि प्रसिद्ध गायक काबुल बुखारी सहित अन्य कलाकारों ने अपने गीतों से महफिल में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि आपको ये बताते चले 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन पुंछ को हड़पने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों और काबिलियों ने पुंछ पर अपना कब्जा कर लिया था और उस समय पुंछ जिला एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन पुंछ की जनता भारत के साथ रहना चाहती थी और पुंछ जिले में ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की अगुवाही में सेना की एक टुकड़ी मौजूद थी और आम नागरिकों ने उस सैन्य टुकड़ी के साथ मिलकर 1.25 साल तक पाकिस्तानी सेना और काबिलियों को के साथ लड़ाई लड़ते हुए 22 नवंबर 1948 को काबिलियों और पाकिस्तानी सेनाओं सैनिकों को मार भगाने के साथ पुंछ जिले को भारत के साथ जोड़ा था। शब की लिंकअप डे की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये लिंकअप का जो पूरा वीक हम यहाँ पे मनाते हैं जिसमें हमारी आर्मी होती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है और लोकल पब्लिक मिल के आपस में इस लिंकअप डे को मनाया जाता है यहाँ पे। इसके साथ जो प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे, जो बच्चों का स्पोर्ट्स होता है, पैराग्लाइडिंग होती है और हर किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसी तरीके को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पे एक म्यूज़िकल नाइट का इवेंट है जिसमें काबुल बुखारी साहब गा रहे हैं और इसके लिए इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे ये 76वां लिंकअप डे है, 1947 में हम तो आज़ाद हुए, लेकिन पुंछ की अगर बात की जाए तो कबायलियों ने जहाँ पे जो है वो अपना कब्जा कर लिया था, एक तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था और फिर उस वक्त ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह यहाँ पे तशरीफ लाए और हम ये कह सकते हैं कि पुंछ 1948 में जो है वो अब पूरी तरीके से जो है वो आज़ाद हुआ था।
आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जानिब से ये जो रंगारंग प्रोग्राम रखा गया है, इसमें काबुल बुखारी जो है बहुत जाने माने सिंगर है जम्मू कश्मीर के, वो आए हैं और साथ ही साथ उन लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और इस पुंछ को आज़ाद करवाया और उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर जो है वो दिया जा रहा है, खराज अकीदत उन्हें पेश किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है लोकल फनकारों को भी मौका दिया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।